गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी आता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हमें निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो आप देखिए समझिए इसको। एक बात हमें पता है कि अगर मान लो कोई क्यू चार्ज हमारे पास है और उससे आर डिस्टेंस पर इस वाले पॉइंट पर कितना होता है विभव, आप कहोगे सर के क्यू अपॉन आर। और अगर ये माइनस क्यू होता आर डिस्टेंस पर तो क्या लेते, माइनस के क्यू अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है, विभव एक अदिश राशि है। तो धनात्मक आवेश के कारण धनात्मक विभव होगा और ऋणात्मक आवेश के कारण विभव भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखिए इसको। तो बच्चों मैंने डायपोल ले लिया, एक हमने विद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है। सपोज करो ये माइनस क्यू है और ये हमने क्या मान लिया बच्चों, प्लस क्यू। क्लियर है। और ये इसका कौन सा बिंदु हो गया, ये हमने इसका मान लिया मध्य बिंदु। तो मान लो ये मेरे पास ए बी कोई एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसकी लंबाई हम क्या मानते हैं, टू ए। जैसा हम लेके चलते हैं तो हमारे पास टू ए लंबाई का ये मध्य बिंदु है, स्मॉल ए लंबाई और स्मॉल ए लंबाई। तो टू ए लंबाई का कोई डायपोल हमारे पास है, ठीक है। तो इस डाइपोल के कारण, इस द्विध्रुव के कारण हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। किसी बिंदु पे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो हमने क्या करा बच्चों, एक बार आपको पता है कि ये वाली लाइन तो इसकी क्या होती है, अक्ष होती है, और अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली ये लाइन क्या होती है, इसकी निरक्ष होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जनरल डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या मान रहा हूं कि हमारा जो पॉइंट है वो ऐसे है, ये पॉइंट मान लो P हो गया और इसी डिस्टेंस से मान लो कितने बच्चों, R, ठीक है। तो मुझे इस द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है वहां मुझे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। क्लियर है। तो बिल्कुल आपको पता है इस पॉइंट P पर प्लस Q के कारण भी विभव होगा और बच्चों माइनस क्यू के कारण भी क्या होगा, विभव होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ प्लस क्यू और माइनस क्यू यानी ए और बी पॉइंट को मैं पॉइंट पी से मिला दूं। ये बच्चों मेरी एक लाइन हो गई ए पी और बच्चों ये क्या हो गया बी पी, ठीक है। सपोज करो इसको मैंने क्या मान लिया आर वन और इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों आर टू मान लिया, क्या मान लिया आर टू। क्लियर है। तो मैंने माना हमारा जो पॉइंट है वो थीटा कोण पर स्थित है, हमारा पॉइंट का है थीटा कोण पर। और थीटा का मतलब क्या हुआ, अगर अक्ष पे होगा तो थीटा जीरो ले लेंगे और अगर निरक्ष पे होगा तो थीटा 90 हो जाएगा। तो हम जनरल केस लेके चल रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो द्विध्रुव से थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है, यानी आर थीटा। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो निर्देशांक है वो क्या है, आर और थीटा है। अब देखो
माइनस क्यू के कारण भी विभव होगा और प्लस क्यू के कारण भी क्या होगा बच्चों, विभव होगा। तो अपन ऐसा मान लें, देखो माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो बच्चों मैंने उसको V1 मान लिया, तो V1 क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर के क्यू अपॉन आर, यानी माइनस के क्यू अपॉन आर वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर विभव, तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, तो यहां डिस्टेंस कितनी है, आर वन है। क्लियर है? आगे देखें, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालें, तो बच्चों V2 से अगर मैं मान लूं तो V2 क्या हो जाएगा, KQ अपॉन, तो बिंदु P जहां प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है वो कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है, तो KQ अपॉन क्या हो गया बच्चों, R2 हो गया। क्लियर है? तो विभव एक अदिश राशि होती है, बीज गणितीय इसका योग करते हैं तो क्या आएगा, अतः बिंदु पी पर कुल विभव, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल क्या हो जाएगा, तो कुल विभव का मतलब V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। क्लियर है? एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के क्यू अपॉन आर वन प्लस के क्यू अपॉन बच्चों आर टू। क्लियर है? इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, V इज इक्वल टू क्या कॉमन आ गया, के क्यू। तो बच्चों चलो इसको मैंने ऐसे लिख दिया पहले ही कि वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, ठीक है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। यहां से बच्चों V इज इक्वल टू के क्यू क्या आ जाएगा, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू, एंड बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पर रिलेशन आ गया, V इज इक्वल टू के क्यू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू, ये है। अब बच्चों हमसे कहेगा विद्युत के कारण किसी डिस्टेंस पर पॉइंट रखा हुआ है, तो ना तो आपको R1 देगा ना R2 देगा, आपको R की वैल्यू मिलेगी। तो इस R1 R2 को हम R की टर्म्स में निकालें, ठीक है, उसके लिए क्या करें, देखो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P को सेंटर मान लें, इस पॉइंट P को सेंटर मानकर एक चाप तो लगाते हैं ओपी रेखा पर आर टू त्रिज्या का, इस पॉइंट पी को सेंटर मारकर हम एक आर टू त्रिज्या का, यानी इसको सेंटर मारकर एक आर टू त्रिज्या का चाप लगाएं, तो मान लो सपोज करो यहां मिलता है, इसको मैंने मान लिया सपोज करो बच्चों एम, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यानी एम पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, क्योंकि त्रिज्या हो गई ना, ये क्या हो गई बच्चों त्रिज्या, इस पॉइंट पी को सेंटर मानकर हमने आर टू त्रिज्या का चाप लगाया, तो क्या हो गई त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या परिधि में क्या होती है, लंबवत होती है, तो ये पीएम बराबर क्या हो गया, बीपी। ऐसे ही पी को सेंटर मारकर हम आर त्रिज्या का चाप भरें, यानी ये यहां पे मिलेगा, ये भी क्या हो गया 90, और सपोज करो इसको मैंने क्या मान लिया, एंड पॉइंट, इसको हमने क्या मान लिया, एंड पॉइंट मान लिया। तो हमने क्या करा, P को सेंटर मानकर एक तो R2 त्रिज्या का चाप लगाया OP रेखा पर जो M पे मिला, और एक R त्रिज्या का चाप लगाया AP रेखा पर जो किस पे मिला, N पे मिला। तो अब हम R1 R2 की वैल्यू R के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्लियर है? तो उसके लिए आपको दिखाई दे रहा है कि R1 की वैल्यू क्या होगी, इतना तो R हो गया, समझ आ रही बात, ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई भाई, R क्योंकि त्रिज्या हो गई ना, तो भाई तो त्रिज्या हो गई, इसका चाप लगा के मार रहे हो आप, ये आर, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा,
और जो आर टू होगा वो आर में से इसको लेस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, देखो चित्र से, आर वन इज इक्वल टू क्या होगा, आर वन की बात करें तो आर वन की वैल्यू ये है पूरी, तो आर वन क्या हो गया, आर प्लस ए एन। आर वन की वैल्यू क्या हो गई, आर प्लस ए एन, आर प्लस ए एन, ये हो गया ए एन, क्लियर है। अब आपको पता है बच्चों कि ये हमारे पास एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, और ये आपके पास क्या है 90 डिग्री। तो अगर आप इसका ओ एम का मान निकाले, सपोज करो एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ओ एम बी, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ओ एम बी। तो ओ एम बी में अगर आप ओ एम का मान निकाले, देखो बच्चों ये हो गया, देखो 90 में सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया लंब, एम बी तो क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार। तो अगर आप देखें इसमें, तो यहां लिख दो, देखो त्रिभुज ओ एम बी में हमें बच्चों ओ एम की वैल्यू निकालनी है, ओ एम तो ये तो हो गया कर्ण, 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण, ठीक है, ये है लंब, यानी ये तो हो गया हमारे पास, देखो कर्ण, ये क्या हो गया लंब, ये क्या बचा आधार, बचा कि नहीं बचा। तो हमें ओ एम निकालना है, तो आधार बटा कर्ण कर सकते हैं अपन, क्योंकि ए हमारे पास है, तो ओ एम अपॉन ए बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा, यहां से बच्चों ओ एम बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ओ एम कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास मान लो ये ए है, क्लियर है, तो ओ एम की वैल्यू आ गई हमारे पास ए कॉस थीटा, तो यहां से ओ एम और ओ एन, और ओ एन की वैल्यू, ये सॉरी ओ एन नहीं, ए एन की वैल्यू निकाले, तो ये वही वाली बात आ गई, ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है बच्चों आधार। तो अगर अपन ए का इस दिशा में घटक निकालें तो वो भी क्या आएगा, ए कॉस थीटा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आर वन की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर, आर तो ये ना हमारे पास, तो आर प्लस ए कॉस थीटा, और जब आर टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा, क्लियर है। तो सर आप देख सकते हो आर वन इज इक्वल टू आर प्लस ए एन। तो बच्चों ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये बिल्कुल एक जैसे हैं, आधार लंब और कर्ण, आधार लंब और कर्ण, ठीक है। तो यहां से ये हो गया हमारे पास आधार, ये क्या हो गया कर्ण, तो वही आधार बटा कर्ण, इसी की तरह ये भी क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, कॉस ऑफ थीटा। तो ए एन की वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं, ठीक है, देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जैसे आपने यहां से लंब डाला है तो आप ये वाला लंब भी डाल सकते हैं, जैसे आपने यहां आर टू त्रिज्या का लंब डाला तो हम यहां आर वन त्रिज्या का लंब डाल के इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए कॉस थीटा, ए एन क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये वाला ए एन। और ऐसे ही ओ एम जो हमारे पास है वो भी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 4 मान लूं, ठीक है। अब मैं निकालता हूं किसकी वैल्यू, आर टू की वैल्यू, तथा आर टू इज इक्वल टू, आर टू क्या है, पूरा आर है तो लेस करना पड़ेगा, तो आर माइनस ओ एम, आर माइनस ओ एम, ठीक है। तो ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो आर प्लस ए कॉस थीटा और आर माइनस ए कॉस थीटा, यानी आर वन आर टू की वैल्यू हम कहां रख दिया अपन, समीकरण नंबर 3 में, देखो समीकरण 3 से, ठीक है। तो बच्चों वी इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू, आर वन माइनस आर टू, तो आर वन की वैल्यू आर प्लस ए कॉस थीटा,
माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर वन आर टू, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कुछ कट रहा है, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा वी इज इक्वल टू के क्यू, क्या बच रहा है, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कितना हो गया 2a cos थीटा, क्लियर। और नीचे बच रहा है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो वही पहले की तरह v इज इक्वल टू k q इंटू टू ए, q इंटू टू ए, तो q इंटू टू ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। यानी यहां मैंने क्या करा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया है, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मान क्या कर दें, छोड़ दें, क्योंकि देखो ए बहुत छोटा है, द्विध्रुव है, डाइपोल है, आर बहुत ज्यादा है तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा होगा, तो आर स्क्वायर की तुलना में ये जो वैल्यू बहुत कम होती है तो इसको अपन लेस करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ देते हैं सुविधा के लिए। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और पी क्या बच्चों, पी है क्यू इंटू टू ए, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, तो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पी पर जो उसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर है और थीटा एंगल बना रहा है, कितना होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ केस लेके चले, देखो ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई 6। अब कुछ केस लेकर चले, स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, यदि बिंदु पी अक्ष पर हो, यदि बिंदु पी द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो, अक्ष पर स्थित हो, यानी हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो कहां पे निकालना है, अक्ष पे। तो बच्चों आपको पता है कि अक्ष का मतलब हो गया थीटा कितना, जीरो, थीटा क्या हो गया जीरो। तो समीकरण नंबर जो 6 हमारे पास है, समीकरण 6 से वी अक्ष बराबर क्या होगा के पी कॉस जीरो अपॉन आर स्क्वायर। तो अक्ष पर, द्विध्रुव की अक्ष पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। तो पॉइंट पी अगर अक्ष पर है एक्सियल एक्सेस ऑफ डायपोल, तो जो हमारे पास पोटेंशियल होता है कितना होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। निरक्ष पे हो तो ए सेकंड, बिंदु पी कहां पे हो, निरक्ष पे हो, बिंदु पी क्या हो, निरक्ष पर हो,
निरक्ष पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90। निरक्ष पर थीटा क्या होता है, 90। ठीक है, अक्ष का मतलब तो ये हो गया कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये ओ पॉइंट हो गया। तो यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है पी, वही डिस्टेंस कितनी है भाई, स्मॉल आर। ठीक है, ये तो अक्ष का मतलब हो गया, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और निरक्ष में होगा थीटा 90। निरक्ष का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये निरक्ष पर पॉइंट है पी। ये एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90। निरक्ष में अगर होगा तो आप देख रहे हैं समीकरण 6 से जो पोटेंशियल होगा वी निरक्ष, वी निरक्ष कॉस 90 आएगा, यानी के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो वी निरक्ष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई इसकी मैक्सिमम, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। यानी द्विध्रुव के अक्ष पर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर मैक्सिमम। और निरक्ष में भी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, अक्ष पर के पी अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्ष पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो।